नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन, तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है वो है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है हिंदी। हिंदी साहब सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। जिसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अब देखना, जो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है, वो है अनुच्छेद 343। 343 जो है वो है हिंदी की अनुच्छेद जो है 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साहब हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली किस राज्य की भाषा? जो मैथिली है वो किस राज्य की भाषा है? तो वो है साहब बिहार की। जो मैथिली है वो बिहार की राजभाषा, बिहार की राजभाषा है मैथिली। और बिहार में जे इसका प्रचलन है मैथिली भाषा का, तो बिहार की राजभाषा कौन है? वो है मैथिली। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? साहब भारत के जो प्रथम राष्ट्रकवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रकवि हैं भारत के, मैथिली शरण गुप्त जी जो है भारत के राष्ट्रकवि की उपाधि इनको दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की जो मीरा है वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महा ही होगा साहब, जो महादेवी ही होगा जिसे हम आधुनिक काल की मीरा कहेंगे, तो वो महादेवी वर्मा साहब हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। साहब हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? साहब हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वो जो है हिंदी विषय में प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था साहब, तो वो मिला था साहब सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है साहब मुंशी प्रेमचंद जी को। जो मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्राट कहे जाते हैं साहब, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने साहब अनेकों कहानियां लिखी और एक प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि साहब इनकी कलम में जादू था, इसलिए इन्हें मुंशी प्रेमचंद साहब को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही। वैसे ही हमने देखा होगा कि सिपाही को क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं। तो इस कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही, सिपाही बनते मुंशी, तो मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? हमेशा पूछा जाता है कि साहित्यकार अज्ञेय जी का जो है पूरा नाम क्या है? वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वात्स्यायन अज्ञेय साहब जो है इनका पूरा नाम है। अब देखते हैं कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड साहब प्रथम होगा, तो उदंत बहुत ही उदंत होगा साहब, मार्तंड होगा, क्योंकि इसकी जो धूम मची थी साहब उदंत मार्तंड की बहुत ही प्रसिद्ध रही। और उदंत मार्तंड जो है भारत का जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र रहा है उदंत मार्तंड। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? इन्होंने कहा कि संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी जो है वो नौकरानी है, किस महापुरुष के वचन है? तो डॉक्टर कामिल बुल्के। इन्होंने कहा साहब कि अंग्रेजी में कुछ नहीं मिल रहा है साहब, क्योंकि ये नौकरानी है कामिल बुल्के, क्यों संस्कृत माँ है जिससे हमें हिंदी मिली है नी, और जो अंग्रेजी है वो नौकरानी है इनके अनुसार। तो इन्होंने कहा कि कामिल, अंग्रेजी से कामिल, संस्कृत से मिला है हमें, तो सबको संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। और हम देखते हैं कि जो संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है,
तो डॉक्टर कामिल बुल्के साहब ने कहा है साहब। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है साहब कालिदास को। वही कालिदास हैं जो उसी डार पर बैठकर उसी डार को काट रहे थे साहब। ऐसे एक समय थे जब इनको महामूर्ख की संज्ञा दी गई, लेकिन एक समय ऐसा आया साहब जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा गया। कालिदास साहब को इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं साहब, जिनकी रचनाएं विश्व की 100 श्रेष्ठतम रचनाओं में इनकी रचनाएं गिनी जाती हैं साहब। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया साहब? मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? तो वो किया गया साहब नरसिंहपुर साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है साहब, हिंदी साक्षर जिला कोई सह जिला ही होगा, तो वो है नरसिंहपुर साहब। नरसिंहपुर जिला को क्या किया गया है? हिंदी का पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया साहब? उर्वशी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साहब। उर्वशी जो इनकी रचना है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर जी है, इनको क्या मिला साहब? रचना मिली क्योंकि साहब उर्वशी एक अनोखी ही रचना थी। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया साहब? देश का जो पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय वो आगरा कहाँ? आगरा में हिंदी संग्रहालय, प्रथम संग्रहालय कहाँ गिरा साहब? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं साहब? तो वो है भारत। भारत में सर्वाधिक बोली भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि साहब हमारे देश को अनेकता में एकता इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न भाषा भाषी लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए अनेकता में एकता है साहब हम सभी में। तो जो है विश्व में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं तो वो बोली जाती हैं भारत में। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो वो है सब 22। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं तो वो हैं 22 जो भाषाएं हैं वो मान्यता प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हिंदी में आसू लिपि के जन्मदाता कौन है? आसू लिपि उसे कहते हैं साहब कि किसी भी दृश्य को देखकर कोई कवि उस पर रचना कर दे, तत्काल ही रचना कर दे, वो कहलाते आसू लिपि। तो राधे लाल द्विवेदी साहब को आसू लिपि के जन्मदाता माना जाता है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साहब? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। अब देखते हैं आधुनिक युग के चरण है रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर साहब। आधुनिक युग में तो राम के चरण पाने को साहब तब सब तरसते हैं, तो आधुनिक युग के चरण है रामधारी सिंह दिनकर। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि कहा जाता है साहब देवनागरी लिपि, क्योंकि इसमें भी देव है और देवताओं की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि ही होगी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य कहा जाता है वो कहा जाता है पृथ्वीराज रासो कहा जाता है साहब। चंद्रवरदाई की रचना है, आदिकाल की रचना कही जाती है साहब पृथ्वीराज रासो। इसमें जो है वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है साहब पृथ्वीराज चौहान साहब का। चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन थे साहब? वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक थे साहब। इन्होंने जो है आधुनिक युग में हिंदी गद्य की जो है प्रतिष्ठा की थी। पहले पद्य में रचनाएं होती थी, फिर जो आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब आए, जब हिंदी गद्य में भी रचनाएं होने लगी तो इन्हें क्या कहा गया? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कहा गया। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता, हिंदी जो खड़ी बोली है उसके जन्मदाता कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कहा जाता है साहब। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के जो है वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन साहब हैं साहब। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है? इंदुमती जो है प्रथम कहानी है। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम कवि है वो सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी साहब। सिद्ध सरहपा है हिंदी के प्रथम कवि, सिद्ध सरहपा साहब। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? सिद्ध सरहपा हैं, 9वीं शताब्दी के कवि हैं साहब। तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है श्रापकाचार ग्रंथ। हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है श्रापकाचार ग्रंथ, देवसेन द्वारा रचित श्रापकाचार ग्रंथ है हिंदी की प्रथम रचना है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा ही होगी साहब
प्रथम उपन्यास में क्या होगी परीक्षा गुरु, और कौन रचेंगे श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जो है इसकी रचना करेंगे। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और हिंदी की प्रथम पत्रिका है वो संवाद कुमोदी। संवाद कुमोदी को जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका का दर्जा दिया गया साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक थे तो बोलते साहब विद्यापति। विद्यापति साहब ने गीत जो गीत टाइप के होते हैं, गीत प्रकार के जो रचनाएं होती हैं वो रचनाएं विद्यापति साहब ने की हैं। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत कवि हैं, लेखक हैं, वो हैं विद्यापति साहब। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र हैं, सर्वप्रथम जो दैनिक समाचार पत्र था वो था सुधा वर्षण। सुधा वर्षण क्योंकि इस जो समाचार पत्र में क्या मिलता है साहब, सब लोग उठते ही सबसे पहले समाचार पत्र देखते हैं तो सुधा मिलता है साहब, अमृत मिलता है, पूरी जानकारी हमें मिलती है वो जो अमृत के समान है साहब। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था तो वो था सुधा वर्षण। सुधा की जो बरसात होती है वो होती है समाचार पत्र में। तो प्रथम जो सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था वो था सुधा वर्षण। हिंदी का प्रथम एकांकिता एक घूंट, हिंदी का जो प्रथम एकांकिता वो था एक घूंट जयशंकर प्रसाद का था साहब। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट प्रथम एकांकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन थे। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु जो थे मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार थे साहब। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है तो वो किया गया है चार खंडों में। आदिकाल, आदिकाल जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं साहब, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और वीरगाथा जो काल दिया वो दिया साहब अपने वीरगाथा काल जो नाम दिया वो दिया भारतेंदु, सॉरी भारतेंदु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल, और आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर देखते हैं मध्यकाल या भक्तिकाल जिसे हम भक्तिकाल भी कहते हैं, तो मध्यकाल के दो पार्ट हैं भक्तिकाल और रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं और मध्यकाल के जो प्रथम था वो था भक्तिकाल और सेकंड था रीतिकाल। फिर देखते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है बहुत ही प्रसिद्ध रहा जिसमें बहुत सी रचनाएं की गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है या कहाँ कहाँ की जा रही, तो वो की जा रही साहब भोपाल में। भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह हमारे चैनल को जिस तरह आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को हमारे क्वेश्चन निरंतर समझ में आ रहे हैं इसी तरह आप देखते रहें हमारे चैनल पर, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास, हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट हों, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे जीके हो, किसी भी प्रकार का जीके हो, सारे क्वेश्चन उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे सारे जो टीम है, जो सारी टीम है उसके द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारियाँ हो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आपको लेकर आए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने पार्ट वन देखा जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे, अब हम देखते हैं पार्ट टू के बारे में, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम पहला जो क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है, तो वो है अनुच्छेद 343। जो अनुच्छेद 343 है उसमें संविधान में जो है हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया, किस में कहा गया है, वो है अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद की किस सूची में। देखो 12 सूचियां हैं और लगभग 444 जो है अनुच्छेद हैं संविधान में और 22 भाग जो हैं संविधान में लगभग हैं, तो संविधान की किस अनुसूची में जो है भाषा को सम्मिलित किया गया है, तो वो किया गया है 8वीं अनुसूची में। जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है संविधान की अपनी जो भाषा है, सॉरी अपनी जो राष्ट्रभाषा है उसको सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, जो 8वीं अनुसूची है उसमें
हमारे देश की 22 भाषाओं को जो विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं उनको शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो वो किया गया है 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है साहब। तो भाषा जो है, भाषा दो शब्द हैं, दो भाषा कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं साहब, भाषा दो और दो, तो 22 भाषाओं, दो और दो मिलकर कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं। तो 22 भाषाओं को क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, तो वो है साहब तीसरा स्थान। भारत में हिंदी का प्रथम स्थान है, जबकि विश्व में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें हमारी हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है साहब। कितना स्थान है, तीसरा स्थान है हिंदी भाषा का। हिंदी अगर हम लिखें तो कौन सा, कितने शब्द आते हैं, वो आते हैं तीन, एक दो तीन, तीन शब्द आते हैं साहब। तो तीन शब्द हैं हा ना और दा, तीन शब्द हैं। तो हमारा जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी बोलवे वाले जो हैं तीसरे स्थान पर आते हैं साहब। तीसरे स्थान हिंदी भाषा का है विश्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो राजभाषा आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे साहब बाल गंगाधर खरे। जो बाल गंगाधर खरे थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, बाल गंगाधर खरे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खरे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है साहब। जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का जो है विभिन्न रचनाएं की गई हिंदी में, तो हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि थे साहब अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साहब ने जो है खड़ी बोली में क्या की है, रचनाएं की हैं सर्वप्रथम जो है खड़ी बोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी जाती है। जो भारतीय लिपियां हैं, भाषा की जो लिपि होती है, उन लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि होती है उसको क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ साहब। ब्रह्मा जो है उन्हें हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो जो लिपि होती है उसको भी हम क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ ही मानते हैं साहब। तो ब्राह्मी लिपि को क्या मानेंगे, सर्वश्रेष्ठ लिपि है साहब। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, तो वो है सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट, फिर उसके बाद क्या है हिंदी साहब। तो सबसे पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, अपभ्रंश आई और अभट्ट के बाद जो है हिंदी आई साहब। पाली में जो है बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, फिर प्राकृत में जैन आदि ग्रंथ भी मिलते हैं, और उसके बाद अपभ्रंश भाषा का भी विकास हुआ, और उसका अपभ्रंश का जो एक विकसित रूप था वो था अभट्ट, और फिर उसका एक सुनिश्चित रूप जो हमारे सामने आया वो था हिंदी। हिंदी भाषा जो कि भारत में जो है 40% लोग इसके बोलने वाले हैं, अर्थात सर्वाधिक जो है हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है। तो हिंदी का संबंध किससे है साहब, हिंदी का संबंध है सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश से है। अभट्ट जो भाषा थी इसके विभिन्न प्रकार थे, तो सौर सैनी अपभ्रंश से संबंध क्या, जो सौर सैनी अपभ्रंश परिवार था उससे संबंध है हिंदी का साहब। हिंदी का उद्भव यहीं से होता है, सौर सैनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, जो अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने क्या कह दिया साहब, हिंदी को पुरानी हिंदी कह दिया, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह दिया, क्योंकि साहब अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश पुरानी हिंदी थी, और जो हिंदी हमारे सामने है वो नई हिंदी थी। तो अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कह दिया साहब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कह दिया। सौर सैनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ, जो सौर सैनी अपभ्रंश था उसमें किस उपभाषा का विकास हुआ, तो वो हुआ राजस्थानी उपभाषा का, राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। किस उपभाषा का, राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, जो साहित्यिक अपभ्रंश भाषा थी जिसमें साहित्य लिखा गया है, अपभ्रंश में जो साहित्य लिखा गया है वो साहित्यिक भाषा थी, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, वो कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने क्या कह दिया साहब, अब साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह दिया। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता है, जो खड़ी बोली में जो है हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा ये क्वेश्चन कि खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि थे, तो वो थे साहब अमीर खुसरो साहब, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो वो माना है राजा मुंज को। राजा जो मुंज थे उनको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को
क्या कहा था, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ, जो खड़ी बोली होती है, जो खड़ी बोली का प्रयोग जो है सबसे पहले किस भाषा किस किताब में हुआ, तो वो हुआ प्रेम सागर में। प्रेम सागर जो है लल्लूलाल जी की एक रचना है प्रेम सागर, तो प्रेम सागर में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है। साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो ब्रजभाषा है वो हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से साहब मागधी का भी उदय होता है, तो ब्रजभाषा का भी विकास हुआ, तो वो किस भाषा किस से हुआ है, तो वो हुआ है सौर सैनी से। सौर सैनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ। हमेशा ही क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है साहब कि ब्रजभाषा का किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, और राजस्थानी जो उपभाषा है उसका विकास किससे हुआ, मागधी कौन से परिवार की भाषा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है वो है ब्रजभाषा, जो पश्चिमी हिंदी है उसकी सर्वप्रथम जो बोली है वो है ब्रजभाषा। साहब एक पूर्वी हिंदी परिवार है, एक पश्चिमी हिंदी परिवार, इनकी अलग अलग उपभाषाएँ हैं जिनका विकास हुआ है, तो ब्रजभाषा कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख जो है बोली मानी जाती है। अच्छे से याद करें, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौर सैनी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस से हुई है, जो देवनागरी लिपि है उसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से, क्योंकि ब्राह्मी लिपि को हमने क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ लिपि माना है, तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। साहब जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि पे उसकी मान्यता है, जिसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दे चुके हैं, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो हुई है ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि तुलसी रचित विनय पत्रिका की क्या भाषा है, जो तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका है उसकी भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, जो मैथिली भाषा है उसका विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, जो मागधी अपभ्रंश है उससे किसका विकास माना जाता है, मैथिली का विकास माना जाता है। मैथिली माँ से मैथिली और माँ से मागधी अपभ्रंश का मागधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस बोली में कृष्ण काव्य, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है, तो वो हुआ है साहब ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने अपनी जो रचनाएं की हैं वो कौन सी भाषा में की हैं, वो की हैं ब्रजभाषा में साहब। ब्रजभाषा तो किस बोली में कृष्ण काव्य, क्योंकि सूरदास जी भी कृष्ण काव्य के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, और उन्होंने कौन सी भाषा में किया है, वो किया है ब्रजभाषा में किया है। और रीतिकालीन साहित्य का जो सृजन हुआ, जो मध्यकाल के दो काल थे भक्तिकाल और रीतिकाल, तो भक्तिकाल के अलावा जो रीतिकाल था, रीतिकाल में भी ब्रजभाषा का सृजन हुआ है साहब। जो रीतिकाल में साहित्य लिखा गया वो कौन सी भाषा में लिखा गया, वो लिखा गया ब्रजभाषा में। अहीर बाटी का संबंध किससे, जो अहीर बाटी का संबंध है वो है उत्तरी राजस्थानी से, उत्तरी राजस्थानी से अहीर बाटी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सिंधी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, जो सिंधी भाषा है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो वो ही ब्राचड़ अपभ्रंश से। जो ब्राचड़ अपभ्रंश थी उससे किस भाषा की उत्पत्ति हुई, वो हुई सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई ब्राचड़ अपभ्रंश से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, वो हुई थी कोलकाता। कोलकाता एक फोर्ट है, फोर्ट मतलब होता है साहब किला, किला को क्या करना है हमें कोलना है, तो कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज, किले को कोल कोल के क्या है हमने क्या कर दिया बना दिया साहब, कोल कोल के बना दिया, तो वो क्या हो गया किला हो गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, कोलकाता, क्योंकि साहब हमने कोला है इसको कोल कोल के बनाया है। तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है, जो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किसको कहा जाता है, भारत मित्र। भारत मित्र जो है एक प्रकार का पत्र है, और इस मुखपत्र से जो है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता है किसको, भारत मित्र को। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, जो नागरी प्रचारणी थी उस सभा की स्थापना हुई 1893 में, जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई साहब 1893। नागरी में कितने शब्द हैं, नागरी प्रचारणी, नागरी में तीन है, तो 1893 तीन शब्द हैं, तो कितने आएंगे साहब
1893 ही आएंगे साहब। तो 1893 में क्या हुई, नागरी पहचानी सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखें, नागरी पहचानी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे। जो नागरी पहचानी सभा के संस्थापक थे उनमें शामिल थे साहब शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास शामिल थे साहब इनके संस्थापकों में। रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई, जो रामचरित मानस है वो किस भाषा में लिखी गई है, वो लिखी गई है साहब अवधि में। जो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की है वह किस भाषा में लिखी गई, वो लिखी गई अवधि भाषा में, अवधि भाषा में लिखी गई सब रामचरित मानस। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, काशिका कहा जाता है साहब बनारस की, जो बनारस यूपी में है तो इस क्षेत्र की भाषा को कहा जाता है काशिका, काशिका साहब बनारस के लोगों क्या काशिका, जो काशिका काशिका क्या बनारस 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 काशिका इन बनारस सीखा रस बनाना सीखा, तो बनारस की जो बोली है उसको की बोला जाता है सब काशिका। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसे किसने किया साहब, शकुंतला जो नाटक है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा राज लक्ष्मण सिंह ने, राज लक्ष्मण सिंह ने जो है इसका खड़ी बोली में क्या किया अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। जो अवधि भाषा है इसमें रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रचा है, तो अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो वो हुई अर्धमागधी, अर्धमागधी से अवधि की उत्पत्ति हुई है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसी भाषा अवधि में इसकी रचना की है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे जो है जो पार्ट थ्री है वो जल्द ही आपको उपलब्ध होगा, हिंदी का पार्ट थ्री, और उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो हमेशा ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आप हमसे सीधे ही जुड़ जाएंगे और हमारे जो वीडियोज हैं जैसे ही अपलोड होता है आपके पास तुरंत उसका मैसेज पहुँचेगा और आप उस वीडियोज को जो है खोल कर पढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आपको लेकर आए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी का ये हमारा पार्ट थ्री है, पहले हमारे दो पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं और इस पार्ट में हम आज फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो अवधि भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। जो अवधि भाषा है उसके सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है तो वो है रामचरितमानस। जो रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसकी रचना अवधि में की गई है और जिसके जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना की है साहब, जबकि रामायण की रचयिता कौन है, वो है वाल्मीकि, और रामचरितमानस की जो रचना की है वो की है तुलसीदास जी ने। यहाँ जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। हमेशा जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है रामचरितमानस की रचना किसने की है, तो बहुत ही ईजी है साहब, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है और वो की है अवधि भाषा में, अवधि भाषा में की है। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है, जो केरल राज्य है उसकी राजकीय भाषा क्या है। केरल जो है सबसे साक्षर प्रदेश है, तो केरल राज्य की राजकीय भाषा है मलयालम, मलयालम जो है केरल राज्य की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो वो है अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है नागालैंड की राजकीय भाषा है, अंग्रेजी नागालैंड की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है, जो कौन सी भाषा है वो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है, तो वो है साहब खासी, खासी एक भाषा है जो ऑस्ट्रिक समूह से संबंध रखती है साहब। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है, तो वो है मराठी, मराठी जो है द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है सब। द्रविड़ भाषा परिवार हमारे भारत में कितने भाषा परिवार हैं, वो है चार भाषा परिवार हैं, इसमें से एक द्रविड़ भाषा परिवार है जिसकी उत्पत्ति मराठी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, तो साहब हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें से 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। तो हमारे भारत में और भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हमारे भारत को क्या कहा जाता है, अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है साहब, क्योंकि यहाँ बहुभाषी लोग हैं, बहुधर्मी लोग हैं, तो हमारे देश में अनेकता में एकता
का प्रतीक है साहब। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया तो वो किया गया साहब लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा की भाषा बना दिया साहब। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने क्या कर दिया साहब? अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी सर? भारत की जो प्राचीन भाषा है, देव भाषा है, वो है संस्कृत। संस्कृत जो है प्राचीन भाषा मानी गई है क्योंकि साहब संस्कृत से ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो संस्कृत क्या है? एक देव भाषा है, जननी भाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है साहब? आसमान पर चढ़ने का जो चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाने या चढ़ने का अर्थ अपन बोलते हैं कि आसमान पर चढ़ गया, मतलब अत्यधिक प्रशंसा कर दी अगर आपने किसी की तो वह आसमान पर चढ़ जाता है। एक कहावत भी है कि आप चने के झाड़ पर चढ़ गए, है ना। अपन ने किसी की साहब प्रशंसा कर दी तो वो क्या हो गया? आसमान पर चढ़ गया साहब। तो अत्यधिक प्रशंसा करना एक प्रकार का मुहावरा है, आसमान पर चढ़ना अर्थात अत्यधिक प्रशंसा करना। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं साहब? तो वो माने जाते हैं चंदवरदाई। जो चंदवरदाई जी हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की जो है रचना की है, और जे हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे वीर गाथा काल के। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंदवरदाई। यहाँ ने इनने एक बहुत ही अच्छी जो रचना की है वो की है पृथ्वीराज रासो की। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? वो है चंदवरदाई साहब। चंदवरदाई साहब पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी साहब? कबीरदास की भाषा थी साहब सादुकड़ी। सादुकड़ी भाषा थी। इन्होंने सभी भाषाओं के जो है शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इनकी भाषा को सादुकड़ी और खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो वो है सादुकड़ी। कभी कभी खिचड़ी भी मतलब इसमें पूछा जाता है, तो खिचड़ी इनकी भाषा थी और सादुकड़ी भाषा। इन्होंने क्या है साहब? सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनको अपने काव्यों द्वारा बहुत ही अच्छा बनाने की जो है इन्होंने कोशिश की है कि समाज में जो बुराइयाँ हैं वो मिट जाएं। तो इन्होंने अपनी सादुकड़ी भाषा से अपने काव्य की शोभा बढ़ाई है साहब। सिवा बावनी के रचनाकार हैं उत्तर भूषण। जो सिवा बावनी के रचनाकार हैं वो है साहब भूषण। भूषण साहब जो है सिवा बावनी के रचनाकार हैं साहब। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था साहब? जो बूंदी नरेश थे महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि कौन थे साहब? मतीराम। मतीराम ने भी बहुत ही अच्छी रचनाएं की हैं जिनसे हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध हुआ है। तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि था साहब मतीराम। तो भूषण निम्न में से जो है कौन सा लक्षण ग्रंथ है साहब? भूषण जी का जो है निम्न में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो वो है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ है। किसका है साहब? भूषण का है। भूषण का शिवराज भूषण। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो वो लिखी गई बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई बिहारी जी की रचना है। किसकी रचना है? बिहारी की रचना है बिहारी सत्सई। तो सबसे ज्यादा टीकाएं इसकी लिखी गई साहब। वीरगाथा काल के कवि नहीं है तो वो नहीं है साहब। नामदेव नहीं है। बीसल नामदेव क्या है? वीरगाथा काल के नहीं है। चंदवरदाई जो है वीरगाथा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। तो नामदेव जी नहीं। हिंदी कविता को छंदों की परती से मुक्त कराने वाले थे साहब, वो थे साहब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंदों से मुक्त करा दिया साहब इन्होंने। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत क्योंकि साहब जो है अगर सु मतलब होता अच्छा, मित्र मतलब होते हैं मित्र। अगर अच्छे मित्र मिल जाए साहब तो हमारा जीवन क्या हो जाता है साहब? पल्लव हो जाए। पल्लव अर्थात पल्लवित हो जाता है, बन जाता है जो हम बुरी संगत जिसे कहते हैं कि बुरी संगत में अगर हम फंस जाएं और अच्छे मित्र मिल जाए तो हमारा जीवन पल्लव हो जाता है। तो पल्लव की रचयिता कौन है साहब? सुमित्रा नंदन पंत साहब ने पल्लव की रचना की है साहब। चिंतामणि की रचयिता कौन है साहब? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? चिंतामणि की रचयिता है क्योंकि साहब रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने विभिन्न रचनाओं की आलोचना की है तो आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने चिंता की है साहब की जो है रचनाएं हमारे साहित्य में बहुत ही अच्छी रचनाएं होनी चाहिए, जिनकी आलोचना इन्होंने की है कि यहाँ पर ये इन्होंने मिस्टेक किया है, ये गलती की है। उनकी जो है रचनाओं को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया है। तो एक आलोचक थे रामचंद्र शुक्ल और इनको क्या थी साहब? चिंता थी, बहुत ही चिंता कि हमारा जो हिंदी साहित्य है वो एक अच्छी रचनाओं से समृद्ध होना चाहिए। तो चिंतामणि किसकी रचना है?
वो है रामचंद्र शुक्ल साहब की जो है चिंतामणि रचना है, क्योंकि इनको क्या थी, चिंता थी रामचंद्र शुक्ल को। तो निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, सबसे पहले अगर किसी ने आत्मकथा अपनी हिंदी में लिखी है तो वो लिखी है साहब राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंध होती हैं, जो आंचलिक होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंध, आंचलिक जो है स्पष्ट है साहब कि आंचलिक मतलब कोई क्षेत्र विशेष की बात हो रही है यहाँ पर, तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, जो क्षेत्र विशेष से, किसी क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाओं का संबंध होता है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि, जो निर्गुण भक्ति काव्य का कवि है वो है साहब कबीरदास, एक सगुण भक्ति धारा थी एक निर्गुण भक्ति धारा थी साहब, तो निर्गुण भक्ति के जो है वो है कबीरदास जी, कबीरदास जी क्या है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है साहब। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है साहब, पहले भी हमने पढ़ चुका है उदंत मार्तंड हिंदी का जो है सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है साहब। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं साहब जयशंकर प्रसाद, छायावाद के जो चार आधार स्तंभ माने जाते हैं वो माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी, इनको क्या कहा जाता है साहब छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, प्रगतिवाद जो है जिसे हम उपयोगितावाद भी कहते हैं का नाम है यह कथन किसका है साहब, वो है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद जो है प्रयोगवाद के बाद प्रगतिवाद आता है, छायावाद प्रयोगवाद प्रगतिवाद है ना, तो जो है प्रयोग छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद प्रगतिवाद, हाँ उपयोगिता का दूसरा नाम है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है उपयोगितावाद कहा है साहब प्रगतिवाद को, नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, जब जो प्रेमचंद है इन्होंने अधूरा उपन्यास जो है इन्होंने छूट गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र की रचना कर रहे थे और उसी समय इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये अधूरा छूट गया, तो अधूरा जो छूटा उपन्यास था वो था मंगलसूत्र था साहब, मंगलसूत्र की किसकी रचना है, वो है प्रेमचंद साहब की। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहब, किसको, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर, उर्वशी पर क्या है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहब। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, जो सुहाग के नुपुर रचना है उसके रचयिता कौन है, अमृत लाल नागर, देखो सुहाग 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 जो है अमृत लाल नागर एक पत्नी के लिए। अब हम देखें सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता है अमृत लाल नागर साहब, अमृत लाल नागर। संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है, संस्कृति के चार अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है चार शब्द हैं इनके, चार अलग अलग शब्द बने हुए रामधारी सिंह दिनकर, तो संस्कृति के चार अध्याय किसकी होगी साहब, रामधारी सिंह दिनकर की। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है साहब, अशोक के फूल जो है निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी गई साहब, जो अपना प्रारंभिक काल था हिंदी के जो विकास का प्रारंभिक काल था उसको आदिकाल की संज्ञा दी है, तो वो दी है साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वीरगाथा काल की कहा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। झरना काव्य संग्रह के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद साहब। झरना कहते हैं कि साहब शंकर की जो है जटा से गंगा निकलती है, तो क्या होती है, झरती है साहब, शंकर के शंकर जी के जो है जटा से क्या क्या झरी, गंगा झरी, तो जय शंकर प्रसाद, तो झरना झरना बने साहब, और क्या बन गए, झरना बन गए, तो झरना के रचयिता कौन है, जय शंकर प्रसाद है साहब, शंकर ही होंगे साहब, जब जटों से गंगा निकल रही है तो क्या हो रही है, झर रही है, जटों से गंगा क्या हो रही है, झर रही है, तो किसके जटों से, जय शंकर प्रसाद, शंकर के जटों से, तो जय शंकर प्रसाद जो है झरना के रचयिता होंगे। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का, क्या बोल रहे हैं कि जो निराला के राम है तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है, तो वो है साहब राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा। और जब राम की बात हो रही तो राम विलास ही होंगे साहब, राम विलास ही इसकी चर्चा करेंगे। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, कौन, जागो फिर एक बार और तुलसीदास, जागो फिर एक बार कौन की रचना है, जे है साहब निराला साहब की, और तुलसीदास, तुलसीदास बार बार पूछा गया है साहब तुलसीदास किसकी रचना है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही तुलसीदास, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं साहब, तो और कई लोग जो है तुलसीदास लगा कर आ जाते हैं, तो तुलसीदास
इसकी रचना है वो है निराला जी की। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं भारत भारती मैथिली शरण गुप्त साहब। भारत भारती जो है इसकी रचना की थी साहब मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भी है साहब, भारती भी है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि ही कहेगा, राष्ट्रकवि की संज्ञा दी गई उनको मैथिली शरण गुप्त को, और राष्ट्रकवि ही भारत को भारती कहेगा। तो आप तो मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है साहब रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का साहब है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है साहब? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना और है रस मीमांसा। रस मीमांसा इन्होंने साहब हमेशा ही जो है रस की बात करी है कि हमारे जो हिंदी साहित्य में रस भरी जो है कविताएं होनी चाहिए, रस भरी रचनाएं होनी चाहिए। इन्होंने चिंता की है तो इनकी एक चिंतामणि है, और फिर इन्होंने क्या सोचा कि जो है रस भरी रचनाएं होनी चाहिए। तो रस मीमांसा इनके मन को क्या चाहिए था साहब? रस चाहिए था। तो रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य की बड़ी ही चिंता की, तो इनकी चिंतामणि, और ये चाहते थे कि रस भरी जो है रचनाएं होनी चाहिए, क्योंकि श्रोता जब पढ़े तो उसके मन में जो है आनंद की अनुभूति हो जाए, जिसे हम रस भी कहते हैं। तो रस मीमांसा जो है किसकी रचना है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको जो है क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे, हिंदी साहित्य हो चाहे वो हिंदी भाषा हो, सभी के क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमसे सीधे ही जुड़ सकें।